सेशन की शुरुआत हम एक एक प्रमाणित उपाय के साथ देना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई भी आपका दोस्त, चिर परिचित, रिश्तेदार, घर का सदस्य अभी या कभी भी अस्पताल में भर्ती हो, सामान्यतः हर व्यक्ति कामना करता है कि अस्पताल से हमारा पेशेंट घर आ जाए, करता है ना। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए तो भगवान करे ऐसी स्थिति आए नहीं, लेकिन जब भी आए तो हम जो कह रहे हैं उसको फॉलो करिएगा। साथ ही साथ निश्चित परिचित को भी सब बोलिए कि उसकी चप्पल जो अस्पताल में रखी थी ले जाकर, वो पहनकर गए थे। अगर अस्पताल में नहीं पहन के गए, पेशेंट थे नेकेड पर गए, तो भी उनकी जो चप्पल पहनते हैं वह वहां से लेकर उनके जो पलंग का स्थान है, बिस्तर है, उसके नीचे जरूर रखवा दें। गॉट इट? दिस चीज यू हैव टू क्लियर। एंड समबडी आस्क यू रीजन व्हाई, एनीबडी कैन रिप्लाई मी व्हाई, बिकॉज हॉस्पिटल इज अवर 12th रूम, आवर फीट्स आर 12th रूम। यस यस नो, हमारा 12वां कमरा है। उसके बाद अगर हमारा 12वां कमरा को चप्पल वो अगर अस्पताल में रखी, अगर हम उसको लाकर उसके बेडरूम में उसके पलंग के नीचे रख देंगे, दैट मीन्स वी आर एक्टिवेटिंग 4th रूम ऑल्सो, क्योंकि 4th रूम उसका पलंग का है, बिस्तर है जहां पर सोता है। अगर आप उसकी चप्पल रखवा देंगे बेड के नीचे, ज्यादा चमत्कारिक मत बोलिए कि ना जल्दी ठीक होगा, ये उपाय करने में जाता नहीं है, हमारे गुरु जी ने बोला है, तो ये करें। और अगर बाय चांस कोई व्यक्ति आपके घर में बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है, उसके बार बार कभी ऊपर नहीं होता, कभी बोल रहे डॉक्टर बोले 3 दिन देख तो घर में, फिर हम देखेंगे अस्पताल भर्ती कराएंगे, ऐसे वक्त आसपास के किसी भी अस्पताल का जल, हॉस्पिटल के आसपास का पानी, बिस्तरी बॉटल या वहां के आरओ का पानी खरीद के लाना और उस सदस्य को जिसके अस्पताल जाने की संभावना है उसको पिलाना। जैसे आई एम श्योर दैट अस्पताल जाने का उसका खत्म हो जाएगा, वह घर में ही ठीक होगा। सामान्यतः मैं ये नहीं कह रहा कि पेशेंट हो तो डॉक्टर ऑक्सीजन नहीं जल रही और रखो, ऐसा नहीं। इफ पॉसिबल यू कैन सजेस्ट दिस मेडिक एंड अप्लाई ऑल्सो, आई सी द मिरेक्युलस रिजल्ट। अब आपका ये प्रश्न होगा कि गुरुजी अस्पताल के पानी से क्या होगा? नहीं, देखिए हमारी बॉडी सही एलिमेंट से बनी है ना। हाउ प्लैनेट कम टू नो दैट यू आर इन द हॉस्पिटल? फ्रॉम द इनसाइड वाटर, वॉट सोर्स। अगर हम हॉस्पिटल का सोर्स ही लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं, दूसरे शब्दों में कहें, हम तो विज्ञान तो प्रूव नहीं करता, तो हम प्लैनेट को हम थोड़ा समझा सकते हैं, समझा सकते हैं, मतलब ला सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है, यस बहुत प्रमाणित उपाय है, पूरे अधिकांश की बीमारी के अंदर लोगों रहते ही है, इसको आपको तो भगवान करे उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन जरूरत करे तो पढ़ना भी। और साथ ही साथ दूसरे लोगों तक भी बताना, क्योंकि आप भी जाते ही होंगे अस्पताल में भी, आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मदद करेंगे। ओके यस, नाउ पीपल आर जॉइनिंग लेट, आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट द एनर्जी। क्लियर? तो पूनम जी ब्लेसिंग्स, रूपा जी ब्लेसिंग्स एंड अनिल कुमार जी ब्लेसिंग्स। चलते हैं सात पक्षी दुनिया में। कल तो हमने आपको तर्पण बताया था किस विधि से करना, इन ऋण हमारे पर जो रहते हैं,
तीन ऋण जो हमारे पर है वह है, जैसे पहला ऋण तो आपको बताया था हमने कि देव ऋण ईश्वरों का, दूसरा ऋषियों का, तीसरा पितरों का। ये तीन ऋण देते हैं जो कभी चुकाए नहीं जा सकते, पर लेकिन जैसे कि कहते ना थोड़ा इंटरेस्ट भरते हैं हम तर्पण के माध्यम से। क्लियर? हमने कल आपको बताया और यह भी बताया कि अभी बताते रहूंगा ताकि 14 तारीख को आपको नया ना लगे। हमने जल की विधि बता दूंगा, हमें जल देवता को अर्पित कैसे करना है, लेकर ऐसे सामने। क्लियर? वेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द तर्पण, देवताओं को हम कहेंगे देवताओं को अर्पण करना है, जल लेकर ऐसे। ऋषियों को कैसे देना है, तर्पण जल भरा नीचे से हाथ खोल दिया, ये होगा ऋषियों के लिए। तीसरा होगा पितरों के लिए, जल भरा और पितरों के लिए जल। इस हम बताएंगे आप, लेकिन आपके मन में याद रहे 14 तारीख तक है, बहुत दिन है अभी बीच में, रस्ते में ही समय समय बताते रहेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। क्लियर? जस्ट ये सिंबॉल इमोशन ग्रेटिट्यूड अपने पिता माता दादा दादी और वह लोगों का भी जो लोग मित्र के रूप में आपके साथ थे, गुरु के रूप में आपके साथ थे, ज्ञान दे गए लेकिन नहीं रहे, तो हमारा दायित्व होता है ये उनके द्वारा दिया गया ज्ञान की कृतज्ञता दें। पितरों की भी जिनके द्वारा हमें शरीर मिला है उनकी कृतज्ञता दें। आज एक नई बात करते, आप ये सोच रहे होंगे अलग अलग गुरु जी ने मुद्रा क्यों बनाई, है ना? हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तिथियां सबकी मालूम है आप लोगों को। जैसे कि आज एक फोन आया कि हमारा है ना, इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए, अगर आपको आपकी तिथि नहीं मालूम चिंता नहीं, दिन इज ए वन कॉमन डे इज कॉल्ड सर्प तमावस्या। आप उस दिन एकत्र करके एक साथ सभी लोगों का कर सकते हैं। अगर आपको तिथि याद नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसके लिए आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है? और एक और चीज हम लोग कहना चाहेंगे आज विशेष, आप लोग जो व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे भगवान की जो फोटो आप भेजते हो ना, मेरा जीवन मेरा भगवान, दूसरा किस हिसाब से लेगा वो? हमारे भगवान है, हमारे कोई भेजते हैं किसको, वह किस वो व्यक्ति किस स्थिति में है, क्या स्थिति में, क्या परिस्थिति में, कैसा बैठा है, वो भगवान के दर्शन कर, क्या हमारा हाथ जोड़ेगा भगवान के? नहीं, हमें नहीं भेजना, किसी को थोपना नहीं, ना कोई दर्शन। कभी देखिए मैं रोकता भी हूं जो ग्रुप में डालते हैं, क्या है आपका ईश्वर, ठीक है? बहुत चीज हमने रिपीटली आपको दी है कि जैसे कि हमने कल बताया था एक्सपायर मेडिसिन भेज देना, तो उसे साथ में अगर आपके फुटवेयर अगर जो आप पहनते नहीं हो, पहनना भी नहीं चाहते वो है, वह बाहर कर देना। वो अगर बाय चांस कोई ऐसा सामान आपके घर में है जो आपने सालों से हाथ नहीं लगाया इस उम्मीद में कि काम आएगा, ये आपका शरीर चले जाना, तो कपड़े क्या करेंगे? एक मोह सा रहता है, एक अटैचमेंट सा रहता है उस चीज से हमको कि ये काम आएगी। दिवाली आने वाली है, आप अभी से तैयारी करें, धीरे 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 आवश्यक वस्तुओं को, अनावश्यक वस्तुओं को बाहर करें, वो भले भगवान के मंदिर की मूर्तियां हो या आपके शोरूम में रखी हो, पुरानी चीजें मत जोड़े, अपने अतीत को, इमोशंस को मत कनेक्ट करें। कोई भी चीज अगर आपको याद करते किसी अपने इमोशंस के लिए, किसी वस्तु की आपको जरूरत पड़ जाए, तो वो मैं सच्चा इमोशन नहीं मानूंगा। हाँ, माता पिता की फोटो भी मैंने आपको कहा डीपी मत लगाए, अपन अपने माता पिता हैं, अपन अपने तक रखें, हमें प्रदर्शन की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट शोइंग द शो ऑफ।
मेरे माता पिता है, मेरे भगवान है, मेरे इष्ट है, आई आई गिव द बॉदर्स टू अदर्स। इफ समबडी डिमांड गुरु जी आप मुझे महाकाल के दर्शन कर दो प्लीज, देन आई विल सेंड इट विदाउट डिवाइन, नेवर नेवर विदाउट आस्किंग द नॉलेज, नॉट रिस्पेक्टेड, इट्स डी रिस्पेक्टेड। ओके, साथ ही जैसे कि अभी सुचेता जी थोड़ी तबाह की, श्वास नहीं चल रहा, तो आप लोग आसपास के अस्पताल का पानी रखें, मेरा पूरा विश्वास। लेकिन इसके साथ एक विश्वास भी जरूर रखें, हाँ गुरु जी ने बोला ठीक हो जाएंगे, वो तो भगवान की दया से आपको नौबत ही नहीं पड़े जाने की, लेकिन एक अस्पताल का पानी जरूर रखा करें, एक दो बिस्लरी बॉटल लाकर, जरूरत पड़े तो आप, पूरा विश्वास है कल आने पर। साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष में और एक और बात कहेंगे, हमें गरिष्ठ भोजन बनाना पड़ता है, हलवा पूड़ी खीर भजिए फजिए, तो आम इंसान नहीं खा पा रहा है। तो उस वक्त जब बनता था वह भोजन, तब उस वक्त वो यम करने की ताकत रहती है। अभी आपको तो खाना पचा लेंगे, फ्रूट पपीता खा रहा हो आप सुबह, और खीर पूड़ी खाओगे तो बीमारी हो जाओगे आप, मतलब पेट नहीं संभाल पाएगा इतना। इतना गरिष्ठ भोजन आप ना करें, अगर करें तो कम क्वांटिटी में करें। आज के नॉलेज सेशन में हमने थोड़ी इस प्रकार की बात की है कि पितृ जो 15 दिन आए हैं, अभी देखिएगा हिंदुस्तान में जहां तक बात करें, पितृ आते हैं तो बोले ये 15 दिन बड़े तपन के रहते हैं, सर्वप्रथम अवस्था की बात, जब से नवरात्रि लगेगी मौसम ठंडा हो जाएगा। और कोई साथी, किसी के मन में कोई जिज्ञासा, किसी के मन में कोई प्रश्न? हीना बेटा कैसी है? हीना ठीक है? कंचन जी आज आपका सेशन दिया मैंने, आज रिकॉर्डिंग सुनना आपके लायक, 2 3 4 रिमेडी बोली मैंने आज। कंचन जी गुरु जी हरिओम। हरिओम, आपके लाज में रोग डेंगू बोल दिया, जरूर सुनना उसको आप। गुरु जी जी आज मैंने सेशन में रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाए ना तो जरूर सुनना, मैंने आज 3 रिमेडी दी है, जो आपको लगेगी, तो आपको लगे नहीं भगवान करे, लेकिन किसी और को जरूरत लगे तो आप जरूर फॉरवर्ड करना, ठीक है? मैंने एक तो सुन ली, वो जो हॉस्पिटल में पानी लेके आना वो तो सुन ली। एक और, अगर आपका कोई चिर परिचित अस्पताल में भर्ती है तो उसकी चप्पल को अस्पताल से लेकर उसके बेडरूम में रखना, हमारा ट्वेल्थ रूम को अच्छा एक्टिव करके फोर्थ रूम को एक्टिव करना, इससे एस्ट्रोलॉजिकल, नो एस्ट्रोलॉजिकल चैलेंज, व्हाई जस्ट सी द रीजन, आई नेवर से विदाउट एनी लॉजिक। ओके, आज तो प्रतिभा जी भी आई हैं, स्वाति जी भी आई हैं, स्वाति जी दर्शन करा दीजिए अपने आप। वाह, स्वाति जी ने दर्शन दे दिए भैया, वाह, हम तो तरसते हैं आके बैठ के। सुमित्रा सुचित्रा बेटा देखा, सुचित्रा ने पूछा, अनम्यूट करें जाए जी। सर्वप्रथम गुरु जी आपको नमस्ते। अभी आपने कहा कि अस्पताल से जल लेकर के आए, तो जल लेकर रखना कहाँ पर है? आप एक काम करिए, जैसे अस्पताल का पानी ले आए अस्पताल के आरओ से ना, हॉस्पिटल में कमरे जहां पर पेशेंट पानी भर के ले जाते हैं ना, वहां का आरओ का पानी या बिस्लरी, अगर ऐसा लगता है पानी शुद्ध नहीं है तो वहां अस्पताल से बिस्लरी की बॉटल ले लें, और आप जी जो ड्रिंक करते पानी उसमें मिला ले थोड़ा ऐसे, अच्छा जी आप जो या तो वही पानी पिए, अगर ऐसा लग रहा है कि पूरे चांस ज्यादा है तो वही पानी पिए आप, पर शुद्धिकरण का ध्यान रखिए, अस्पताल का भी पानी लाए तो अस्पताल के भी अंदर भी अच्छे आरओ लगे रहते हैं, फिल्टर लगे रहते हैं, आपको हाँ मेरा जी पूरा जी विश्वास, ठीक है? गुरु जी, गुरु जी ठीक है, और खुश धन्यवाद। है। और स्वाति, ओ माय गॉड, प्रतिभा जी ऑन द ट्रूथ, हाउ आर यू प्रतिभा बेटा, बढ़िया खुश हो, क्लियर, नो जी बडी प्रणाम। प्रॉब्लम, खुश है मेरी बेटा, कैसी है? वो आजकल बहुत कड़ी लग रही है तेरी, जी कोई बात नहीं बेटा, तो अपना फर्ज, योर वर्क इज वर्शिप, सबसे बड़ी पूजा, अगर आप अपने वर्क में इन्वॉल्व हैं, परिवार के साथ हैं, इसका मतलब आप में गुरु के साथ हैं, नेवर कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट।
रूपा जी हैड अ क्वेश्चन, आई डोंट सी रूपा जी नाउ, उनको भी शी रेज्ड हर हैंड। Guruji, I just wanted to ask this durva, how do you hold it when you're doing this No, no, tarpan? no. Abhi not require. We require on the 14th when we do the session. Abhi now dukwar you have taken durva. You are jo whatever durva you have taken, you keep on one place, and on the 14th we will use that durva. Yes, but how do you hold it? That's you didn't give us. How do No, you do no, no. it? You can put up anywhere that I will teach on the 14th. On the 14th of October, I will explain. You just put up one place where they can die. Okay, thank you. Thank you. Amar has a question. Amar ji. अमर जी हेड क्वेश्चन तो हाँ अमर जी बोले। प्रणाम गुरु जी। आपने सारे तर्पण की बात बोले, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण, देवता को ईश्वर तर्पण, लेकिन मातृ तर्पण की बात नहीं बोले कि हम लोग का वो, उनके उस पर मातृ कोई ऋण नहीं है। तर्पण में सभी आ गए हैं। पितृ में आपके जो गोत्र आते हैं, नाम पितृ में आपकी माँ आ गई, नानी आ गई, नाना आ गए, नानी दादा सब आए, करीब आपकी 4 पीढ़ियां आती हैं। अच्छा अगर ऐसे मैं एंसेस्टर बोलूंगा तो आप मदर फादर अलग अलग करेंगे क्या? नहीं ना, तो सामान्यतः हमारी भाषा में पितृ बोला जाता है उनको। पितृ मतलब नॉट रिप्रेजेंट द फादर, यू आर सेइंग द यू आर अंडरस्टैंडिंग द पितृ मतलब फादर ना, यस इट्स कॉल्ड पितृ। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स दोस लेफ्ट देयर बॉडी हियर, द मदर फादर एवरीबडी हियर, यू आर राइट ऑन योर प्लेस, मे बी ऑल्सो एज ए लेमैन यू कैन आस्क मी। अच्छा करा, पितृ से ऐसा लगता है कि केवल पिताओं की बात करूं, नहीं, बस मैं वही समझ रहा था। वो इट्स नॉट अ फादर, इट्स ए पितृ। इन इंग्लिश यू कैन से एंसेस्टर्स। ओके, ओके ओके वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चन। और कोई? वाह, हिंदा भी पूछेगी, बोल बेटा। अनम्यूट करो बेटा आपको, एक मिनट को, आप सब अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ प्रणाम बताओ। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जैसे कि कल मेरे फादर इन लॉ का ये श्राद्ध है, तो क्या करना चाहिए स्पेशल ऐसे? नहीं, अपने घर के बड़ों से मानो, हर व्यक्ति के रूप में अलग अलग है, बस आपको अपने फादर इन लॉ का जो आपके रीति रिवाज से आपके होता है उस हिसाब से करें। आपको तो ऐसा अलग कर, ये सोचना है आपको कि आपके फादर इन लॉ आ रहे हैं एक व्यक्ति के रूप में, उनको जो जो अच्छा लगता है उनको भोजन देके एक दिन की उपस्थिति उनको महसूस करो। ऐसा लग रहा है कि एक दिन आपके यहाँ खाना खाने आ रहे हैं वो, जस्ट फील एक अलग 5 तत्व के शरीर के रूप में, ये इमेजिनेशन करें और एक ग्रेटिट्यूड पे करो बस। बाकी आप प्रोसेस में क्या होगा वो हर जगह का प्रोसेस अलग है, कोई धुनी देता है, कोई नहीं देता, आप जो बड़े हैं आपके उनसे पूछेगा। पर लेकिन आप ये शाद को तो आप ऐसे समझे कि हमारे एंसेस्टर जो इस धरती पर नहीं रहे, जिन्होंने हमारे जीवन के लिए बड़ा योगदान दिया, वह हम वापस आ रहे हैं एक दिन के लिए एक समय का भोजन खाने, बड़े भाव से उस तिथि पर उनको बुला कर। लेकिन समय का ध्यान रखें, समय 11:30 से 12:30 जब सूर्य सर पे होता है वह समय पितरों का होता है, तपन होती, तो आप वो समय का भी ध्यान रखें। बाकी आपके घर में जो प्रचलन है समय उसके हिसाब से आप, ठीक आपको मालूम है उसमें गुरु का भी तर्पण होता है। आपका गुरु जो था वो शरीर छोड़ के गया, उसका जीवित करनी होता हो ध्यान रखना। तो हम सब कहते हैं मामा सब, अभी हम समझाएंगे आपको तर्पण। ओके क्लियर। चंद्रकांत जी आपकी क्यों गेप लगी इतनी सारी, कैसे है आपका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? थोड़ा डोमेस्टिक वर्क में उलझा हुआ था। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम वेरी उलझे मतलब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जस्ट मेरा तो मेरा ध्यान तो जो आते हैं उन पर कम रहता है, जो नहीं आते उन पर ज्यादा ध्यान। चलिए है।